तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा सिंह, अनुस्वाम किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो जी, मैं पहुँच चुकी हूँ वेस्ट बंगाल, जहाँ मैं रहती हूँ। और आज से अब आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेगा। जो भी मैं घर में रहती हूँ या बाहर जाऊँगी, वो सारे ब्लॉग्स आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ। मैं चाय चढ़ा चुकी हूँ गैस पर, तो चाय हो चुकी है। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, इसके बाद जो भी आगे के सारे काम होंगे वो सब हम करेंगे। तो जी, मैं चाय लेके आ गई हूँ और चलिए अब चाय पीते हैं और साथ में थोड़ा बाहर का व्यू का मजा भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ रात भर बारिश हुई है। लगभग यहाँ लगभग 6 से 7 दिन से बारिश हो रही है, जैसा कि मुझे पता चला है, क्योंकि मैं जिस दिन से लगभग परसों में आई हूँ यहाँ पे, और लगातार मैं बारिश देख रही हूँ। लेकिन यहाँ के मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लगभग 6 से 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ रात भर पूरी रात बहुत मतलब आप कह सकते हैं भारी बारिश हुई है। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, अभी बारिश बंद है लेकिन रह रह के बारिश हो रही है। लगभग 10 मिनट रुकती है, फिर बारिश होती है, आधा घंटा रुकती है, फिर बारिश होती है। इसी तरह से लगातार बारिश चल रही है। ये देखिए, और मौसम काफी अच्छा है, लेकिन यही प्रॉब्लम है, अगर आप कपड़े वॉश कर रहे हैं तो वो सूखते नहीं है, फैन में आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद जो भी बचे हुए काम है उसमें लगते हैं। तो बैठ के पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद कल है 5 तारीख, तो आज 4 तारीख है, तो आज का ब्लॉग मैं शूट करके आज ही डाल दूंगी 4 तारीख को। और कल 5 तारीख है, तो कल हम लोग का जितिया व्रत का नहाय खाए है। तो हम मतलब स्पेशली जो भी जितिया व्रत करते हैं उनको पता है कि नहाय खाए का क्या महत्व है और जितिया व्रत का क्या महत्व है, तो ये तो हमें करना ही करना है। तो कल नहाए खाए में हमारे यहाँ मतलब जो भी बिहारी हैं, चाहे वो मिथिलांचल एरिया के हों या और भी एरिया के जो बिहारी होते हैं या जो जितिया व्रत करते हैं, वो लोग कल आप नोनी का साग हो गया, आपको रागी का आटा हो गया, इसे मड़वा का आटा भी बोला जाता है, और साथ में मछली खाई जाती है। तो मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, इसलिए मछली मैं नहीं बनाती हूँ ना खाती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड लोग खाते हैं तो मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती, इसलिए कल मैं मछली वछली नहीं बनाऊंगी। लेकिन हाँ, कल झिंगली का नेनुआ जिसे बोलते हैं या झिंगली बोलते हैं, झिंगली आप बना सकते हो। ये सब चीज खाने का रिवाज है कल नहाए खाए का दिन। और भी कुछ जो पितर पक्ष की जो पूजा होते हैं इसमें किए जाते हैं, स्पेशली ये पितर की पूजा होती है और अपने बच्चों के लिए किए जाते हैं। तो कल है नहाए खाए, तो उसकी भी मुझे तैयारी देखनी है कि जो जो चीजों की जरूरत है वो सब मैं मंगवा लूं। फिलहाल तो अभी मैं पहले चाय पीऊंगी, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, वो नाश्ता करके नहीं जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके वो दोपहर के आके एकदम लंच ही करेंगे, तो उसकी तैयारी भी मैं करूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आगे जो होगा वो मैं दिखाते चलूंगी। और अभी घर पूरी तरह से तहस नहस होकर पड़ा हुआ है, क्योंकि अनुज भी सोया हुआ है, उसके पापा भी वॉशरूम गए हुए हैं। इसके बाद जो सारे काम मैं करूंगी वो मैं आपको दिखाते चलूंगी। तो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो जी, घर के सारे काम अभी बाकी है, फिलहाल तो चलिए काम में लग जाते हैं। तो ये देखिए, सारे सब कुछ बिखरा पड़ा है, सबको अच्छी तरह से अभी डस्टिंग वस्टिंग कर लूंगी। और अनुज को भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी भी वो सोया हुआ है, क्योंकि आज स्कूल है नहीं, कल से स्कूल है, तो अभी मैंने उसे सोने दिया है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, अनुज सोया हुआ है अभी, और मैंने बेड उड कुछ नहीं झाड़ा है, सब कुछ अच्छी तरह बिखरा पड़ा हुआ है। तो चलिए पहले ये सब कर लेते हैं और अनुज। तो जी, आ गई हूँ मैं जिस रूम में मैंने ट्रॉली रखा है। तो ये देखिए, ये माता रानी का प्रसाद है, अभी तक मैंने किसी को बांटा नहीं है प्रसाद। तो वहाँ पे एक गुफा माता थी, वहाँ पे भी हमने दर्शन किया था, तो वहाँ का भी प्रसाद है अवेलेबल। और ये माता की चुंदरी उंदरी है जो चढ़ने के बाद वापस मिलती है, जिसे आप पूजा मंदिर में यूज कर सकते हो। तो ये सब जो थोड़े मोड़े कपड़े जो बचे एकदम साफ है, ये सब यूज हुआ ही नहीं है, इसलिए मैंने एक साथ रखा था। मतलब मेरे जो भी अच्छे साफ किए हुए कपड़े थे वो एक में थे, और जो गंदे थे वो मैंने अलग ट्रॉली में रखा हुआ था। तो वो सब तो मैंने वॉश कर दिया है, और इधर मैं जा रही हूँ प्रसाद बांटने के लिए। तो ये देखिए, देख लेते हैं, मैंने जिन लोगों को मुझे देना है प्रसाद उन लोगों के लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब लगभग 2 दिन हो चुके हैं मेरे आए हुए और अभी तक मैंने प्रसाद वितरण नहीं किया है, तो वो कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, मैंने प्रसाद ले लिया है माता रानी का। तो अभी मतलब मेरे सामने में लगभग मेरे जोर के 4 फ्लैट्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक
अंकल आंटी हैं वो नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी जो सामने हैं उन लोगों को मैं दे देती हूँ। तो बगल में जो आंटी हैं उनको पहले मैं दे आती हूँ, इसके बाद सामने हमारे एक सिंधी दीदी हैं जो मतलब हमारे सारे नेबर से काफी अच्छे हैं, तो वो जो सिंधी दीदी हैं पहले फिर उनको मैं देने के लिए जाऊंगी। तो चलिए पहले बगल वाले अंकल आंटी को देके आते हैं प्रसाद माता रानी का। तो ये देखिए मैंने कुछ सब्जियां मंगाई हैं, तो सब्जी में मुझे पालक चाहिए था लेकिन पालक सब्जी वाला के पास अवेलेबल नहीं था, तो थोड़ा मोड़ा जो पालक बचा हुआ था ना मैंने वही मंगवा लिया है। इस पालक का मैं कल कटलेट बना के दूंगी अनुज को, क्योंकि कल थर्सडे है और थर्सडे स्पेशल में इन लोगों को पालक का कोई भी डिश लेके जाना है, इसलिए मैंने पालक मंगाया है। और ये देखिए पालक के पत्ते, और इधर मैंने मंगा लिया है झींगा या झिंगली, झींगा जो भी आप बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इसे हमारे यहाँ तो झींगा बोलते हैं, मोटे वाले देखिए मोटे परत वाले जो होते हैं ये वाली, इसी को बना के कल मुझे खाना है क्योंकि कल हमारा जितिया का नहाए खाया है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कल के लिए मैंने इसे मंगा लिया है। इसके अलावा मुझे रागी का आटा चाहिए, तो देखते हैं रागी का आटा इधर अवेलेबल होता है कि नहीं, तो उसकी रोटी बनेगी, इसकी सब्जी बनेगी और साथ में नोनी का साग होता है वो भी मतलब खाया जाता है, तो अगर वो भी मुझे अवेलेबल हो जाए तो बेस्ट है। तो फिलहाल ये दो चीजें मुझे अवेलेबल हो गई हैं, तो इन सबको अच्छे से धो करके वॉश करके मैं अभी रख दे रही हूँ, ये बनेगा कल। और अब देखिए मेरे घर की सारी सफाई उफाई हो चुकी है, डस्टिंग वस्टिंग पोछा ओछा सब कुछ हो चुका है, और अब जा रही हूँ मैं दोपहर के लंच की तैयारी करने। तो चलिए देखते हैं कि लंच में मैं क्या बना रही हूँ। तो जी आज दोपहर के लंच में मैं बनाने जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए मैं लौकी का दम बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसमें हाफ लौकी बनाऊंगी हाफ कट करके। और इधर मैंने ले लिया है पॉपी सीड्स जिसे वेस्ट बंगाल में पोस्तु दाना भी बोलते हैं, ये देखिए। तो अभी मैं अपने लिए घर में स्पेशली बना रही हूँ आलू पोस्तु, जो बंगाल की मतलब रोजाना खाने जाने वाली डिशेस में है, बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं इसे खाना और उन लोगों के हर दिन खाने में ये अवेलेबल रहता है और मुझे बहुत पसंद आता है। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपको आलू पोस्तु की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और लौकी का दम का रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए आलू पोस्तु बनाने के लिए मैंने लगभग 5 आलू को कुछ इस तरह से कट कर लिया है, मतलब ना ज्यादा बड़े पीसेस में कट करना है ना ज्यादा छोटे, मीडियम साइज के आप कट कर लीजिएगा, ये देखिए। और साथ मैंने लगभग 3 प्याज दिया है इसमें मीडियम साइज का, क्योंकि इसमें प्याज का टेस्ट काफी अच्छा आता है, तो आप 2-3 प्याज आराम से दे सकते हैं, उससे टेस्ट का काफी एनहांस हो जाएगा। और इधर मैंने ले ली है लगभग 3-4 सूखी मिर्ची, तो आप हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, मैं सूखी मिर्ची डाल रही हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो कढ़ाई अभी गर्म हो रही है, फिर इसमें हम तेल डालते हैं। बहुत ही इजी सब्जी है, झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, ये एक बंगाली डिश है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। और इधर मैंने लौकी का दम गैस पे चढ़ा दिया है, ये देखिए ये जो नए आलू की सब्जी है, तो इसे छिलका के साथ ही बनाइएगा ना तो काफी टेस्टी बनती है। अगर आपको लौकी की दम की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए अभी ये भुनेगी अच्छी तरह से, भुनी नहीं है, इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो चलिए इधर बढ़ते हैं, इधर तेल लगभग गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ सूखी मिर्ची। तो मिर्ची को थोड़ा हम चटकने देते हैं पहले, और इसके बाद हम आलू और प्याज को इसमें डाल देंगे। तो मिर्ची भून गई है, अब हम इसका पानी निकाल के हम डाल देते हैं आलू और प्याज को साथ में, आप अलग से भी प्याज कट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आलू डाल दिया है, अब इसे हम खुले में लगभग 2-3 मिनट भूनेंगे ताकि इसका जो थोड़ा मोड़ा पानी है वो सूख जाए। और इधर मैंने जो पॉपी सीड्स लिया था इसे मैं पीस लेती हूँ, तो बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा भी अगर पीसा हो तब भी ये थोड़ा खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन अगर आप फाइन पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये देखिए सब्जी का पानी सूख गया है, अब इस टाइम में हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। इस सब्जी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब्जी पीले रंग की नहीं होती है, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं डाली जाती है, ये बिना हल्दी की एकदम व्हाइट कलर की सब्जी होगी। तो चलिए अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं पहले, और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर,
थोड़ी सी मिला लेते हैं। बस एक मिनट और इसे हम खुले में रखेंगे। इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के लगभग मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक कि आलू अच्छी तरह से पक नहीं जाती है। तो लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे खुले में भून लिया है। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं। मैंने इसमें छोटे ग्लास से 1 गिलास पानी डाला है, तो आप अपने अनुसार जिससे आलू उतना ही डालिएगा जिससे आलू मतलब पक जाए, क्योंकि ये मतलब इसमें ग्रेवी नहीं रहती है, ये थोड़ी थिक थिक हो जाएगी लास्ट में सब्जी। तो पहले इसे हम पकने के लिए डाल देते हैं और मीडियम आंच पे इसे में ढक्कन लगा देते हैं। तो इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और तब तक इसे हम पेस्ट कर बना लेते हैं। तो ये देखिए पॉपी सीड्स को मैंने पीस लिया है, तो ये देखिए थोड़ा दरदरा ही मैंने पीसा है, ये देखिए। तो पहले हम आलू को थोड़ा पकने देते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे। जब पूरी तरह से इसमें पानी सूख जाएगा, बस हल्का फुल्का ही बचे, उस वक्त हम ये पॉपी पीसी हुई पॉपी सीड्स को इसमें डालेंगे। तो ये देखिए आलू अच्छे से पक गई है और मैश भी हो जा रही है, ये देखिए। और बस एकदम हल्की फुल्की इसमें पानी बची हुई है। अब इसी टाइम में हम डाल देंगे इसमें पॉपी सीड्स, जिसे हम इधर आलू पोस्तो भी बोलते हैं। तो जी, जब भी हम इसमें पोस्तो मतलब पॉपी सीड्स डालेंगे, उस समय हमको गैस की आंच को एकदम धीमा कर लेना है, क्योंकि पॉपी सीड्स को अब ज्यादा पकाना नहीं है। बस इसे हम डालेंगे और बस 1 मिनट के लिए बस इसे चलाएंगे और गैस बंद कर देंगे, नहीं तो ये थोड़ी फटी फटी टाइप की हो जाती है। खाने में टेस्ट कुछ मतलब बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ा जैसे दही नहीं फट जाती है उस तरह से ये फट जाती है, इसीलिए ज्यादा देर हमें इसे बॉयल नहीं करना है, इसे पकाना नहीं है। तो ये देखिए सारे पॉपी सीड्स को मैंने डाल दिया है इसमें, ये देखिए जैसे ये ठंडी होगी ना और ठीक होती जाएगी। तो बस अब हमें गैस बंद कर लेना है, तो चलिए अब गैस को बंद कर लेते हैं। तो जी आलू पोस्तो एकदम रेडी है। तो आज मैंने आपके साथ एक बंगाली डिश शेयर की है, और वैसे भी मैंने पहले भी ये रेसिपी डाल चुकी हूँ, तो अगर आपको इसमें डिटेलिंग समझ में नहीं आए तो आप पहले भी मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसमें लिंक डाल दूंगी। और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग और मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा।